ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों के साथ जब ये करेंगे तो फिर उनको मिल गया है, कार्रवाई तो में हो गई उनके खिलाफ। तो देखिए, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए जो हो रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पे ही हो रहा। अच्छा, बरेली में 90 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उन्होंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था, जो आवारा जानता था। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। जब सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, तो विरोध तो होगा, विपक्ष का काम ही है उनकी आंखें खोलना, विरोध करना। तो ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र में जो अधिकार हैं, धरना प्रदर्शन अपनी मांग रखना, उसको ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, फिरोजाबाद में जो सम्मेलन हुआ उसमें आपने अक्षय यादव के नाम की चर्चा की, जबकि वोट काफ़ी आपको मिले थे, आप कहाँ से सुना? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा। मैंने कहा कि पार्टी का आदेश को हम स्वीकार करेंगे। वैसे फिरोजाबाद से नहीं, फिरोजाबाद से तो अच्छा ही लड़ेंगे। तो आपका आजमगढ़ अभी हमारा 27 MLA हैं, और जो फिर पार्टी का आदेश होगा लोकसभा चुनाव 24 अब पार्टी का जो आदेश, पार्टी फैसला करेगी लड़ना है न लड़ना है। अच्छा, ममता बनर्जी ने जो बोला नाम की विशाल मीटिंग की है, जिसमें कि अधीर रंजन चौधरी और उनका घमासान मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया जो गठबंधन आपका बना है उसमें आपसे ही कहीं गुटबाजी देखने को मिली? कोई गुटबाजी नहीं है, इंडिया मजबूती के साथ एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन तरफ से PM चेहरा कौन है? बहुत लोग हैं, इसकी चिंता मत आप करिएगा, बहुत लोग हैं। सीटों के हिसाब से डिसाइड हुआ जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी? अब वो तो फैसला जब गठबंधन बनेगा तो गठबंधन ही करेगा ना, हम थोड़े करेंगे, या हम राय दे सकते हैं, और राय देंगे तो उनको देंगे अपने नेताओं को। अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से भी चाहेंगे लड़ सकते हैं। कन्नौज की ज़्यादा चर्चा, वैसे तो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं, कन्नौज की चर्चा ज़्यादा हो रही है, अब जहाँ से भी उनकी इच्छा होगी लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजवन ने कल एक बयान दिया है कि अहीरों की बुद्धि तो 12 बजे पड़ती है, इसमें लेकर क्या है? कल तक आपकी पार्टी में रहे कौन, भाजपा आने के बाद ओम प्रकाश राजवन, कल उन्होंने एक फिर बयान दे दिया है भाजपा में जाने का। वो ऐसे बयान देते हैं, कुछ दिन पहले तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे, अमित शाह को कहा था कि हम गुजरात भेज देंगे, उनका तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अभी कोई ये तय नहीं हो सकता, 24 पहले आपकी तरफ भी आ सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोल दें और कब कहाँ चले जाएं। अच्छा, के अंदर आपके गठबंधन में BSP का कहीं वो नहीं चल रहा, क्या BSP को अगर कहीं जगह मिल रही है तो? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो दूरियां बनाए वो भारतीय जनता पार्टी से अब ये दूरियां बना नहीं पा रही है। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।